दूसरे की तरह दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें अपने अनोखेपन को अपनाना चाहिए। दूसरों से अपने लुक्स की तुलना करना बेकार है, सब लोग अपने आप में अलग हैं। चलिए देखते हैं इसी से संबंधित एक नाटक, आधा फूल और गायब हाथी। हेलो, मेरा नाम किट्टी है, मेरी उम्र 16 साल है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मेरे अंदर होश भी है और जोश भी है, किट्टी के लिए कुछ भी इम्पोसिबल नहीं। हेलो, मेरा नाम तारा है, मेरी उम्र 12 साल की है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। जानकारी के चलते फिरते किताब हूँ, तारा कभी झूठ नहीं बोलती। हेलो, मेरा नाम अदरक है, मेरी उम्र 15 साल है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मैं एक नंबर का जुगाड़ हूँ, अदरक के पात्र की भांति भरमार। तीनों बदलीपुर में रहते हैं, तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों पहुंच जाते हैं केस को सुलझाने। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फूल। बदलीपुर में विवेक नाम का एक लड़का रहता था, वो अपने रंग रूप से बिल्कुल भी खुश नहीं था, हर दम उदास रहता। मैं कितना मोटा हूँ, काश मैं भी खूबीलाल के जैसा दिखता। खूबीलाल एक महावत था, वो एकदम फिल्मी हीरो जैसा दिखता था, लंबा कद, लहराते बाल और कसरती बदन। खूबीलाल हाथी पर बच्चों को बैठा कर बदलीपुर घुमाता और पैसे कमाता। खूबीलाल हाथी को चराने के लिए उसे विवेक के खेत में छोड़ जाता, जहां हाथी दिन भर चरता और शाम को लौट आता। ए हाथी, मेरे हाथी को अच्छे से चराना। खुद की तुलना खूबीलाल से करते करते विवेक और उदास रहने लगा। विवेक इच्छा करने लगा कि काश वो भी खूबीलाल जैसा दिखता। मैं खूबीलाल के जैसा दिखता तो मुझे कोई कभी हाथी नहीं कहता, वो अच्छा दिखता है इसलिए सब उसे पसंद करते हैं और वो खुश भी रहता है। एक दिन खूबीलाल रोता हुआ आधा फूल के पास आता है। क्या वो खूबीलाल क्यों रो रहा? मेरा हाथी गुम हो गया। क्या हाथी कैसे गुम हो गया? मैं रोज हाथी के खेत में अपना हाथी छोड़ के आता। क्या हाथी के खेत में? वो है ना मोटा सा लड़का विवेक, तुम्हें किसी को ऐसे नहीं चिढ़ाना चाहिए। तुमने तो सिर्फ एक शब्द बोल दिया, पर इससे सुनने वाले पर कितना बुरा असर होता है पता है? वो खुद को ही समझने लगता है, खुद को तुम्हारी से एक हरकत से वो अपना सारा आत्मविश्वास खो देता है। इसीलिए भूल कर भी आगे से किसी को ऐसे मत चिढ़ाना, समझे? और हमेशा सोच समझ कर बोलना। अब बताओ क्या हुआ था? रोज हाथी अपने आप घर आ जाता, नहीं आया तो लेने। पता नहीं मेरा हाथी का, मुझे मेरा हाथी चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा हाथी किसने लिया? उसने। विवेक ने। क्या सबूत? मैं तारा की बात समझ गई, सबूत विवेक के घर ही मिलेगा। चारों विवेक के घर जाते हैं। वो रहा हाथी। मुझे पक्का यकीन है हाथी की कुत्ती यही सीझेगी। चलो उससे बात करते हैं। क्या चाहिए यहाँ क्यों आए हो? विवेक, क्या तुमने खूबीलाल का हाथी देखा है? मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ से चले जाओ। अब रहा जितना भी पता है सब बता दो। विवेक तेजी से भागने लगता है, किट्टी अदरक उसको दौड़ कर पकड़ते हैं। भाग क्यों रहे हो, हमसे बात करो। देखो खूबीलाल की बॉडी और उसके बाल कितने अच्छे हैं, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कैसा लगता हूँ? तो वो मुझे हाथी क्या कर चलाते हैं, ऐसे में अपनी तुलना खूबीलाल से कैसे ना दूं? मैं तो उसके जैसा गोरा भी नहीं हूँ, अदरक जैसा सांवला हूँ। मैंने उसके जैसे बनने की बहुत कोशिश की, पाउडर लगाया, जेल लगाया, बाल भी सट किए, फिर भी वैसा नहीं बनका। खूबीलाल ने मेरे जल ऐसे नमक छिड़कने का काम किया, मुझे हाथी कैसे चढ़ाया? विवेक की बात जमा कर दो विवेक, मैंने तुम्हें हाथी बोल के चढ़ाया, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। विवेक की बात सुनकर किट्टी तारा अदरक भी उदास हो जाते हैं। किसी को ऐसे चढ़ाना गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था खूबीलाल। मैं खूबीलाल जितना दिख पाने के कारण मैं कुछ नहीं रहता, पर उसको अपने जैसे उदास बना सकता हूँ, यही सोचकर मैंने उसका हाथी छुपा दिया। विवेक की बात सुनकर सबको मामला समझ में आ जाता है। तो ये बात है, विवेक तुम खूबीलाल से नहीं दिखते, तुम उदास होने वाली बात क्या? मैं सांवला हूँ, मैंने कभी कभी इतनी तुलना दूसरों से करता क्योंकि यह बहुत आम बात, ऐसा सभी करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को रोक कर याद रखता हूँ। क्या एक इंसान अपने में खास है, मुझे पता। मैं चश्मा लगाती और किट्टी नहीं लगाती, पर मैं क्यों सोचूं मुझे किट्टी जैसे दिखना? मैं तारा हूं, तारा ऐसी है अच्छी, किसी के जैसा नहीं, किसी के जैसा। विवेक अपनी तुलना खूबीलाल से करके तुम खुद ही परेशान हुए ना, अगर कोई तुम्हें चिढ़ाता है तो जो भी तुम्हारे सबसे नजदीक है, जिस पर तुम भरोसा करते हो, उसे बताना चाहिए। मुझे बात समझ आ गई, मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। वो
विवेक सबको खेत में ले जाता है। वहाँ गन्ने के बड़े से ढेर के पीछे हाथी खड़ा होता है। अगले दिन फिर से बदलीपुर के बच्चे हाथी पर घूमने लगे। दादा तुम्हें कैसे पता चला कि हाथी इसी ने गाय किया? जब गोविंदलाल ने कहा कि वो हाथी को हाथी के खेत में चलाने ले जाता है, मेरा मन तो मुझे लगा मामला जरूर निपटा। खुद की तुलना दूसरों के रंग रूप कद काठी से करने के नुकसान ही नुकसान है। खुद का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। हर एक अपने आप में खास है, सब में कोई ना कोई ऐसा गुण है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। इसीलिए ना तो खुद की तुलना दूसरों से करनी चाहिए और ना ही किसी को चिढ़ाना चाहिए। ये बात बदलीपुर को आजादापुर ने समझाई दी। आदापुर जिंदाबाद, आदापुर जिंदाबाद।